फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में जो वीडियो लेकर आया हूँ वो मोहिल्लापुर से गोमती नगर एक्सप्रेस और जो लखीमपुर से पैसेंजर सुबह 5 बजे चलती है उन दोनों का क्रॉस यहाँ पर होगा उसका वीडियो लेकर आया हूँ। चूँकि दोनों ही ट्रेनें लखीमपुर से संचालित होती हैं, यानी कि लखनऊ से लखीमपुर और एक गोरखपुर से लखीमपुर के बीच में, और दोनों ही ट्रेनों को एक साथ दिखाना मेरा यहाँ पर मकसद था। तो फ्रेंड्स मेरे संग बने रहिएगा, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, वो ट्रेन आ ही रही है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो 5 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन है लखीमपुर से चलती है उसको यहाँ तक आने में 3.5 घंटा लगता है, हालांकि समय जो दिया गया है वो 3.25 घंटा, और वो यहाँ पर ट्रेन 8:30 बजे तक आ ही जाती है, और इसी वजह से दोनों ट्रेनों का यहाँ क्रॉस होता है। और जाते समय रात में अटरिया में क्रॉस होता है इन दोनों ट्रेनों का। देखिए फ्रेंड्स, गोमती नगर एक्सप्रेस आ गई, इसका स्टॉप नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर रुकती है, और ये मान के चलिए कि लगभग ज़्यादातर यात्री जो इधर से डेली अप डाउन करते हैं वो ये चाहते हैं कि इसका यहाँ पर स्टॉप हो गोमती नगर एक्सप्रेस का, आते समय भी और जाते समय भी। और यकीनन अगर इसका स्टॉप यहाँ पर कर दिया जाता है तो यात्रियों को बहुत बड़ा फायदा होगा, कि पहले मोहिल्लापुर रेलवे स्टेशन एक खाली ऐसे ही नाम होता था, यहाँ पर ट्रेनें नहीं रुकती थी, लेकिन जब एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉप किया गया यहाँ पर तो काफ़ी इनकम होने लगी रेलवे वालों को, और लोगों को भी फायदा होने लगा। ठीक जैसा कि आलम नगर और मानक नगर कानपुर साइड और बरेली साइड में, ये देखिए आगे की ट्रेन भरी हुई है कोचेस, और अब ये ट्रेन आ गई है। थोड़ी देर में आपको हम दूसरी ट्रेन का भी व्यू दिखाते हैं जो लखीमपुर से लखनऊ तक जाएगी। हालांकि इन दोनों के क्रॉस का वीडियो मैं पहले भी बनाकर दिखा चुका हूं, और आप देखेंगे अभी पैसेंजर ट्रेन जो आने वाली है उसमें से आधी ट्रेन यहीं पर मोहिल्लापुर रेलवे स्टेशन पर खाली हो जाती है। गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़कर पैसेंजर ट्रेन का वीडियो बनाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गोरखपुर लखीमपुर लिखा हुआ है यहाँ पे भी, देखिएगा फ्रेंड्स पोल्स में वायरिंग हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, लखीमपुर से लखनऊ वाली पैसेंजर ट्रेन भी आ गई है, और किस तरह से यात्री लटके हुए हैं। बहुत ही ज्यादा भीड़। क्योंकि लखीमपुर में इसका समय बिल्कुल एकदम तड़के सुबह 5 बजे है और रात में 11 बजे, और दोनों ही समय सोने का होता है, तो संभव नहीं हो पा रहा था इसका वीडियो बनाना। और बाकी जो गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन है, जो लोग यहाँ से यात्रा करते हैं उन लोगों ने लखनऊ से MST बनाकर रखी है जिससे कि उनको असुविधा ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। और देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग लटक के आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा जरूरत है इस रूट पर ट्रेनों की। हालांकि बस परिवहन विभाग का कहना है कि हमारे ऊपर यात्रियों का फर्क नहीं पड़ा है, यात्रियों की संख्या का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ा है 10% के करीब में। और ये देखिए और गोमती नगर एक्सप्रेस का भी अब सिग्नल हो गया, चलने के लिए तैयार है। देखिए फ्रेंड्स,
दोनों ही ट्रेनों का मिलाप मोहिबिल्लापुर रेलवे स्टेशन पर जो लखीमपुर तक संचालित होती हैं ट्रेनें। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन गोमती नगर एक्सप्रेस भी चल दी अपने गंतव्य की ओर और इस समय लगभग 9:15 के करीब में हुआ है, यानी कि ये ट्रेन यहाँ से 2.5 घंटा लेगी लखीमपुर तक और उस ट्रेन ने भी लगभग 3 घंटा 40 मिनट के करीब में लिया लखीमपुर से मोहिबिल्लापुर तक यात्रा करने में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर वायरिंग भी हो गई है इलेक्ट्रिफिकेशन की, हालांकि मैं इसका अपडेट आपको बाद में भी दूंगा। और कुछ मेरे पास जो वीडियो हैं वो मुंबई के साइड के भी हैं, क्योंकि क्लिप्स बहुत ज़्यादा थी तो वो उनको जोड़ना आसान नहीं है, बहुत ही ढेर सारी क्लिप्स हैं, मैं उनका भी व्यू धीरे धीरे करके आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं कितने यात्री उतरे। तो फ्रेंड्स, ये था गोमती नगर एक्सप्रेस और साथ में जो लखीमपुर से लखनऊ के बीच संचालित हो रही पैसेंजर ट्रेन उसका वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आधी से ज़्यादा ट्रेन यहीं पे खाली हो गई। आप लोग दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। फिर से नया वीडियो लेकर आऊँगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अलविदा, धन्यवाद।